क्या बात है, अपने भतार से हम बहुत परेशान हैं। आप लोगों ने कहीं देखा है? कहाँ है बोलो ना। है ये रहा, कहाँ रहा? मैं बहुत दुखी आत्मा हूं, मेरी पत्नी मेरा पतना करके चली गई, मैं बहुत परेशान हूं, जा रहा हूं, शायद कोई नई फैमिली टकरा जाए, है ना, इधर निकलता हूं। खाने देता क्या? तुमसे कह रहे हो? अरे क्या हो गया? मोबाइल जाम हो गया। तो तुम्हें दिखाई नहीं देता? जी दिखाई देता नहीं है, टटोलता रहता हूँ। कहाँ है आप? आए? मैं सूरदास हूँ, नेत्रहीन हूँ। ओए अगर यहाँ आँख होती तो ऑपरेशन हो जाता। ऑपरेशन हो जाता? जी। तो अंधे ना हो जाते? आप अंधे कैसे होती? क्यों? एक मोहल्ला बंद होता, दूसरा तो खुला रहता। तो काम कैसे चलता? काम चलता रहता है। कैसे चलता है? वन वे ट्रैफिक। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। इसे बदतमीजी क्या बात है? और क्या? और क्या? कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? कुत्ते तो तुम ही हो। मैं बुरा नहीं मानता हूँ। जब हो तो बुरा क्यों मानो? भाई कुत्तियों के बात पे कौन बुरा मानता है? हम कुतिया हैं। भाई आपने मुझे कुत्ता कहा? कुत्ते तो तुम ही हो। हम प्रसन्न हुए, हम खुश हुए। क्यों? तुमने कुत्ता देखा है? हाँ देखा, रोज देखते। कौन सा देखा है? वही देसी वाला जो घूमता है। सबसे ज्यादा हरामी वही होता है। अच्छा तुमने कुत्तों का इलेक्शन देखा है? आप लोग पता है कहीं कुत्तों का इलेक्शन होता? ये सब जानते। होता है। कब होता है? विधानसभा का 5 साल में, लोकसभा का 5 साल में, चेयरमैनी का, प्रधानी का, 5 साल में, कुत्तों का हर साल। हर साल? हर साल कब होता? ये नवंबर का महीना चल रहा, कन्वेंशन चालू है। अच्छा जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही है, क्योंकि जुलूस जब निकलते हैं कुत्तों के तो वो बेचारे अंधे हो जाते हैं इलेक्शन जीतने के चक्कर में। कोई कार के नीचे आ रहा, कोई ट्रक के नीचे आ रहा, कोई मोटरसाइकिल नीचे चला रहा है। भगवान तुमने कुत्ता देखा है? कुत्ते का इलेक्शन नहीं देखा है? नहीं देखा है। जब कुत्तों का इलेक्शन होता है तो सीट की उम्मीदवार कुतिया होती है। अच्छा कुतिया आगे आगे होती है, 14-15 सपोर्टर पीछे होते हैं। अच्छा कुतिया कहते हैं इंकलाब, तो कुत्ते कहते हैं जिंदाबाद, लगे रहो भैया नंबर आएगा। जब कुत्तों का चुनाव होता है तो क्या होता है? तो मालूम क्या होता है? क्या होता? किसी भी चौराहे पे, किसी भी मोहल्ले में, आपके घर के सामने, थाने के अंदर घुस के वार्तालाप कर सकते हैं। कौन से? अरे आप नहीं समझ रही हैं। आप थाने में घुस गए, एसओ साहब बैठे हुए हैं, हवलदार खड़ा हुआ है, लेकिन उनसे बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नेशनल परमिट है। अच्छा? वो जहां चाहे तहां मीटिंग कर सकते हैं। अदालत में घुस गए, मजिस्ट्रेट साहब करे आर्डर आर्डर आर्डर, तब तक उनका जुलूस घूम चुका। जब कुत्तों का इलेक्शन होता है तो क्या होता? तुमको कल की बात बताएं, कल एक चितकबरी कुतिया। किसको कह रहे हो? आपको थोड़ी कह रहे हो, आप तो शेरा भयानक है। अच्छा जुलूस लेके आ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, इधर से न्यू दिल्ली का कुत्ता, तुम्हारी तरह असली है। अच्छा। कलर देख, डिजाइन देख, ये देख, ये क्या है? ये वो है। वो क्या? ये वो है जिससे प्रचार होता है। अच्छा भगवान। हाँ। जुलूस लेकर कुतिया आ रही थी। अच्छा? और उधर से कुत्ता आ रहा था, दोनों की मुलाकात हो गई। कहाँ हो गई? कुढ़िया पुल पे। अच्छा ये दिल्ली वाले जानते कुढ़िया पुल कहाँ है? कहाँ? ये सब जानते हैं, स्कूटर मार्केट जाने से पहले रास्ते मिल जाता है। अच्छा भगवान। हाँ। कुत्ते ने कुतिया को देखा, कुतिया नौजवान थी, चकाचक थी। अच्छा कुत्ते का संतुलन बिगड़ा तो कुत्ता उन्हें क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वाँ, 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 वाँ,
नहीं दे। क्या मांग रहा? नहीं दे। क्या मांग रहा है? पेटी मांग रहा वोट डालने के लिए। कुतिया घबरा गई। क्यों घबरा गई? कुतिया का पहला चुनाव था, पहली मर्तबा इलेक्शन में खड़ी हुई थी। अच्छा। कुत्ता बड़ा भयानक था, 14-15 इलेक्शन जीत चुका था। अब कुतिया घबराहट में क्या कर रही है? क्या कर रही है? नाँ, 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 कुत्ता कुत्ता कुतिया में झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? कुत्ता कुतिया के पास गया। अब भी मौका है, कंप्रोमाइज कर ले। कुत्ता कुतिया में झगड़ा हो गया। क्या हुआ? कुत्ता गुस्सा आया। हाँ। उसने आया, उन्हें देखा था, जुलूस का मुंह घुमा दिया। बड़े बदतमीज हो तुम। इसमें बदतमीजी क्या बात है? हाँ? है क्या बात है? वाह, देख रहे हो? क्या देख रहा है? ये ड्रेस देख रहे हो? कहाँ से लाए ये? हाँ। अमेरिका से। अमेरिका से? गया साले, अंग्रेज पागल होते हैं। हाँ? हाँ। मालूम क्या करते? तो पागल हो। जी मैं पागल नहीं हूँ। क्या देख रहे? अरे हिमालय पर्वत। अपना मुंह कभी आने में देखा है? क्या खराबी है मेरे मुंह में? आ? क्या खराबी है? मूंछ कहीं जा रही, नाक कहीं जा रहा, भौं कहीं जा रहा, जैसे बिलाती हुक्का। व्हाट इज दिस हुक्का? आपने हुक्का देखा है? हाँ देखा। कौन सा? जो पिया जाता है। पिए दोनों जाते हैं? दोनों कौन से पिए जाते हैं? हुक्के दो भाई है। दो कैसे है? एक गुड़गांव में चलता है, हुक्का वहां पे रखा हुआ है, उसकी इतनी लंबी नली। अच्छा। मुंह में लगा के दुड़ 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 दुड़। आपने कभी मुंह में लिया क्या हुक्का की नली? है भगवान, तुमने मुझे कहा हुक्का? भाई हो जाएंगे, गौर से देखिए। क्या देखोगे? गौर से देखिए। क्या खराबी बताओ? है क्या है? कहीं हिमालय पर्वत की चढ़ाई है, कहीं बंगाल की खाई है, ये औरत है कि हिंद महासागर है। हमसे मत भिड़ना। कहा है तुम कौन हो? हम वो हैं। वो कौन? तुम ये हो। घर बदतमीजी। फिर घरवाली? बहुत मारेंगे समझ लेना। अरे क्या मारोगी जो हमेशा मरवाती रही हो? किससे मरवाया? दूसरों से। ओए। हाँ। पुलिस वाले बैठे बदतमीजी करोगे, बंद करवा देंगे। पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं करेंगे। कहा है? कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? आई एम सरकारी औलाद। किसकी औलाद हो? सेना नायक रघुवीर सिंह भदौरिया, 37 बटालियन कानपुर। औलाद चाहे जिसकी बदतमीजी करोगे, बंद करे जाओगे। आप पुलिस वहाँ चक्कर न पड़िए। क्यों? आप नहीं जानती पुलिस वालों को? क्या पुलिस वाले औरतों को नहीं सुनते? सबसे पहले सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारे 6-6 महीने छुट्टी पे नहीं जाते हैं, तबीयत सनसनाया करती है। अच्छा। अगर एक मर्तबा मूड खराब हुआ तो अंदर करेगा, बाहर निकालना भूल जाएगा। हवालात में, हवालात में। सिराज से पूछिए, पंजाब की पुलिस, पंजाब की पुलिस तो है रे दादा, रे दादा। पंजाब की पुलिस जब अंदर करती ना। कहाँ अंदर? हवालात में। अच्छा हवालात में। एक बात सुन लीजिए, शराब पीने से रोक सकती नहीं हिंदुस्तान की पुलिस। क्यों? हरियाणा की पुलिस कहती हरी हरी पी। अच्छा। एमपी की पुलिस कहती गरम मिला के पी। अच्छा। और मालूम है दिल्ली की पुलिस क्या कहती है? क्या कहती है? जब मौका लगे तभी पी। यूपी की पुलिस क्यों नहीं रोक सकती? क्यों? यूपी की पुलिस रोक नहीं सकती शराब पीने से। क्यों? क्योंकि उसके कंधे पे लिखा हुआ है UPPP। क्या UPP? हाँ हाँ UPP। ऐसे नहीं तो ऐसे पी। कैसे पी? ऐसे पी। फिर बदतमीजी? फिर गरमानी। क्या बात है यार, क्या बाड़ी है, क्या बाड़ी है। ये मेरे देखा है दंड। ये आपका दंड? ये हमारा देखा है। तुम्हारा क्या? ये आपका दंड? ये मेरा दंड। हमारा देखा? क्या? टाटा आयरन। अच्छा टाटा आयरन है, लेकिन हमसे कम है। जी हमसे कम है। कम चाहे इतना हो। हाँ। ये आपकी चेचिस फूली हुई है। अच्छा। टाटा का ठोस सामान है तो। हाँ, चाहे इतना लोड लाद लो। हाँ। कभी हिम्मत नहीं हारता है। अच्छा। और इसमें अगर 3 क्विंटल धर दिया तो पंचर हो जाएगी। बड़े बदतमीज हो। इसे बदतमीजी कोई बात नहीं। पहले बताओ तुम्हारा नाम रंपत हरामी किसने रखा, ये बताओ। रंपत हरामी नाम मेरा क्यों है? क्यों है? हाँ ये बात तो कोई जानते नहीं। हम पूछ रहे हैं, मैं बताओ। मेरा नाम रंपत हरामी नहीं है। रंपत नाम ठीक है? रंपत ठीक है, रंपत सिंह भदौरिया। लेकिन हरामी क्यों है? हाँ ये हरामी क्यों है, ये टाइटल है। टाइटल है? हाँ मिला है वरदान। किन से मिला? यमराज महाराज से। क्यों? मैं यमराज महाराज की पूजा कर रहा था। दुनिया भगवान की पूजा करती है। हाँ। तुम यमराज महाराज की? भगवान के पास टाइम है,
सुबह शाम आके लगा के चले जाते क्या? भोग भोग, भोग। यमराज के पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? एक मर्तबा आते हैं लाइफ में, एक ही मर्तबा आते हैं। अच्छा। और लेके चले जाते, दोबारा नहीं दिखाई देते। क्या प्राण पखेरू। यमराज महाराज जब पूजा कर रहे थे वो हम पे प्रसन्न हुए। अच्छा लंपत, हम तुम्हारे पूजा पाठ से खुश हैं। दोस्तों आज के बाद ध्यान रखिएगा, आप कभी दोबारा हरे मत कहना। अच्छा। क्योंकि ये सुनने के बाद आप खुद नहीं कहेंगे। यमराज हमसे खुश हुए। अच्छा। लंपत तुम क्या चाहते हो? हम उन्हें प्रभु तीन वरदान चाहिए। अच्छा। बोले मांगो। हमने पहला वरदान है महाराज कि जो आपका भैंसा है इसकी दोनों सिंघे आपस में ज्वाइंट हो जाएं। यमराज बोले ओ मस्त। बोले दूसरा वरदान मांगो। हमने प्रभु हमारी इच्छा है क्या? कि जो भैंसे की सींग चिपक गई है आप उस पर आसन मार के बैठ जाइए। यमराज बैठ तो गए लेकिन मालूम क्या कर रहे हैं? अरे कहां फंसा दिया यार, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तीसरा वरदान मांग। हमने प्रभु हमारी इच्छा है कि भैंसा की सींग अलग अलग हो जाए। यमराज बोले रंपत तुम बहुत हरामी आदमी हो, तुमने हमको नहीं बख्शा तो किसी को नहीं बख्शोगे, दोबारा मत पूछना। क्यों? मैं उसी सिंह को बैठा लूंगा। हमें सिंह अलग अलग मोहल्ला डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा पैसे वाले आदमी है, कहाँ है? लाओ। बहुत माल है। कहाँ माल है? हाथ डाल निकाल लो। लाओ। क्या चाहिए बोलिए? पैसा। कितना चाहिए? कितने तुम्हारे पास? 3 रुपए है। 3? हाँ। 3 कौन तुम्हारे? अरे 3 रुपए है ना। 3? हाँ। कैसे 3 रुपए? अरे 3 रुपए मेरे पास है, आपको कौन सा चाहिए? गांधी छाप? गांधी तो सब में होता है। सब में कैसे होता है? हाँ। छोटे में थोड़ी होता है, बड़े में गांधी होता है। वो तुम्हारे 3 भाई मिले थे आज हमें। अच्छा वो 3 भाई वो जब रस्ते में आ रहे थे। अच्छा पप्पू लप्पू सप्पू। पप्पू लप्पू सप्पू? हाँ वो मेरे तीनों नीचे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मकान के नीचे वाले कमरे में। मकान के नीचे? कैसे हैं तुम्हारे भाइयों? कोई पहचान, कोई निशानी है? पहचान है। क्या है बताओ? पप्पू लंबा चौड़ा है, काला है, टोपी लगा रहता है। क्या उसका सर में बाल नहीं है? 2-4 बाल आते हैं बनवा देते हैं। और लप्पू सप्पू कैसे? लप्पू सप्पू नाटे हैं, चाइनीज गोल मटोल। वो कहाँ रहते हैं? तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों भाइयों बड़ा प्रेम है, कंपोमाइज है। क्या है? जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। तो वो पप्पू लप्पू सप्पू दाएं बाएं रहते हैं? लप्पू सप्पू दाएं बाएं। पप्पू बीच में? पप्पू बीच में, क्योंकि साइडो दाएं बाएं रहते हैं। कमरे में रहते हैं? हाँ एक ही कमरे रहते हैं तीनों आदमी। एक ही कमरे में कैसे रहते हैं? कमरा छोटा है। तो छोटा तो कैसे रहते तीनों? तो तीनों भाई कंप्रोमाइज है ना। बताओ कैसे? जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो पप्पू आदेश करते हैं कि लप्पू सप्पू आप लोग बाहर बैठिए, मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, आराम करके लौटूंगा। अच्छा फिर? लप्पू सप्पू बाहर बैठे हैं। कहाँ? कहाँ? लान में, जहाँ बड़ी बड़ी घास है। जहाँ घास में रहते? हाँ लान में। अच्छा अच्छा। और पप्पू? अंदर चले गए। अच्छा कमरे में लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, अंधेला पड़ा है। अंधेला? हाँ बेचारे जैसे ही कमरे के अंदर गए नींद भी नहीं आ पाई, कि मारे गर्मी के भड़भड़ा के वापस लौटे तो दोनों भाई सेवा करने लगते हैं। क्या मर गए भैया? तो कोई दूसरा कमरा ढूंढ लो ना। कमरे की व्यवस्था नहीं है, ये दिल्ली शहर है, यहाँ रूम मिलना बड़ी मुश्किल है। तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। व्यवहार नहीं खराब है, माल नहीं है ना मेरे पास। माल नहीं है? दिल्ली दिल वालों की है। हाँ ये बात सही है। दिल्ली दिल वालों की, बम्बई दिल वालों की है। दिल वालों की? हाँ हाँ। बम्बई में 2 चीज नहीं जानती है। क्या? बम्बई में 2 चीज बड़ी फेमस है। क्या है? एक तो खुदाई हमेशा होती रहती है, और दूसरी? दूसरी सब समझ गए लोग। बम्बई की 2 चीज फेमस है। अच्छा अच्छा। हम बॉम्बे शो करने गए थे। कब गए थे? अरे मैं हर साल जाता हूँ, साल में 6-7 दफे जाता हूँ। हमको भी ले चलो। चल के देखो क्या होता। पीला हाउस, वहाँ क्या करोगे? लाल जाओगी, पीली होकर लौटोगी। हाँ हाँ पीला हाउस पीलिया हो जाती है। अच्छा वहाँ जाने से? हाँ। तो फिर हम नहीं जाएंगे। माफ करिए गवर्नमेंट प्रचार भी करवा रही है। कहेगा दूर रहिए। क्यों दूर रहिए? क्यों ऐसा क्यों? नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचआईवी का इलाज कराना पड़ेगा। वाह भगवान। हाँ। गाना सुनाइए। अच्छी लग रही है। तुम हंसते बहुत है। हम हंसते कहाँ यार, हम तो रो रहे हैं, हमारी शक्ल ही ऐसी है। गाना सुनाइए। हे मत करो। क्या करे? जैसे घोड़ी है कर रही है।
ओए, हम घोड़ी हैं? जी नहीं, आप नहीं। वो आपकी पड़ोसन है। अच्छा अच्छा, अभी जो रात में आई थी। हाँ, वो कौन थी? वो रात में जो आई थी, जो लाल लहंगा पहन के आई थी। अरे वो धोबीन है, कपड़े लेने आई थी रात में 12 बजे। उसकी गलती नहीं है। किसकी गलती है? उसकी भट्टी रात 12 बजे गर्माती है। उसकी गलती नहीं। अच्छा, कपड़े ले जाती रात 12 बजे, लगा लेती। कहाँ लगा लेती? भट्टी में। भट्टी में। आप गाना सुनाइए। रंपत जी। हाँ जी। हमारी चोली है सन। कोई दर्जी है यहाँ? कौन है दर्जी बताओ? कोई है? लाइए अपना सामान। कौन सा सामान? इंची टेप। तुम्हारे पास नहीं है? है ना, निकाले। निकालो। कितना निकाले? कितना निकालोगे? जितना बर्दाश्त करो। हमारी चोली है सन। ये सब पुर्गिया बैठे देख लो वो। अच्छा, वो देख सफेद टोपा लगा बैठा। अरे यार, वो मुस्कुरा तक के लोग हैं। अच्छा हाँ, अच्छा लगत, कल फिर आना। फिर बदतमीजी, फिर गर्मानी। हमारी चोली है सन। आए के सीधी नदर जी, समझे? हाँ समझ गया। हंसो मत यार, तुम हंसो, में संतुलन बिगड़ रहा है। हमारी चोली है सन के सीधी नदर जी, वर्मा जी टेलर भेजिए, के जैसे पहनती है रानी मुखर्जी जी, जैसे पहनती है रानी मुखर्जी जी। हमारी चोली है सन, हमारी चोली है सन, किसी दी नजर जी। क्या देख रहे? हम आपको देख रहे। किनको देख रहे? हम सोच रहे वहीं काम चला ले जाके। के जैसे पहनती है रानी मुखर्जी जी, जैसे पहनती है रानी मुखर्जी जी। ओ भाई साहब, ओ बीच वाले। कौन? हेलो, यहाँ आइए जरा। वो हमारे भैया है। बुलाइए ना, बुलाइए। यहाँ भैया, यहाँ बुलाइए अपने भाई, बुलाइए बुलाइए। अरे जल्दी करो यार। क्यों? हाँ क्या काम है? काम है तुम्हारे भाई से। यहाँ भैया, यहाँ। ये आपके भाई है? ये सब तुम्हारे भाई है, हमारे भाई है। ये आप अकेला भाई है? हाँ। आइए गले मिलिए। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। ओ अच्छा, हाँ वो क्या क्या रहो? चिरंजीव। छुआरा रहो। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। आपके भाई हैं? हमारे भैया है। हम बड़े खुश हुए। तुम क्यों खुश हुए? हमारा फायदा हो गया। हमारा क्या फायदा बताओ? जब आप छुट्टी चले जाएंगी तो हम इसे काम चला लेंगे। पटक के मारेंगे, पटक के मारेंगे। बस समझ लेना, मत मुझे करोगे, यही पटक के मारेंगे यही पर। ये भाई बहन है। क्यों? जा देखे सरदार जी, आप देखिए ये भाई बहन। क्या परेशानी? क्या भाई बहन प्यार नहीं होता? खाली गोदाम बचा, शोरूम पे कब गया है? क्या तुम्हारे बहन नहीं है? हमारे बाप ने नालायकी नहीं की है। तो तुम क्या जानो? वल्ली वन पीस पैदा किया है। हाँ हाँ। ये भाई बहन है। बदतमीजी करोगे, यही पटक के मारेंगे। आपका एहसान होगा, आप जब पटकेंगी हाँ तो नीचे कौन रहेगा? नीचे हम रहेंगे। ये नीच है ना, ऊपर कौन रहेगा? हम रहेंगे, बीच में तुम रहोगे, दबा देंगे, हिल नहीं पाओगे। अच्छा नीचे ये रहेगा, ऊपर हम, ऊपर आप रहेंगी, बीच में तुम, बीच हम रहेंगे। हाँ। तो हमारी कंडीशन क्या होगी? हिल नहीं पाओगे। अरे हिलने जरूरत क्या पड़ी है? उन्हें हिलने क्या जरूरत है? क्यों? अरे दो देश आपस में टकरा रहे हैं। हाँ। सिपाही बीच में फंसा हुआ है। हाँ हाँ। चाहे इधर से दबाव पड़े चाहे उधर से दबाव पड़े, सिपाही कुछ करेंगे नहीं। क्यों? अपने आप फायर होता रहेगा, डिस्को हूँ, डिस्को हूँ, डिस्को। ये क्या है डिस्को? डिस्को बोलो। डिस्को समझ जाओगे, इधर आओ। डिस्को समझ जाओगे ना तो हमारी जगह पा जाओगे। तुम्हारी जगह हमको आनी नहीं है। ये तुम्हारे भाई है, बोलो इनको जवाब दो।
बोलो हम कहें? हाँ बोलो, जवाब देना। जवाब दोगे? अरे जवाब क्या, पूरी खुराक देखो, कहीं शंकर कहीं भोला कहीं शिव का प्याला चलेगा चलेगा चलेगा, समझ लेना चलेगा। और मेरी फटी पॉइंट पे हंसने वाले रंपत, तुम्हारी फटेगी पता जब चलेगा। हमारे क्या फटेगी, फटी फटाई पहले भेजी। क्या कहा? जवाब दो, जवाब। हाँ जवाब है, जवाब है, जवाब है, यही खड़े ना। अच्छा जवाब है, कहीं शंकर कहीं भोला कहीं शिव का प्याला चलेगा। दोस्तों अगर हमारी बात अच्छी लगे तो जोर से ताली बजाना। आप मेरे भाई हैं और ये हमारा साला है। आपका कौन हुआ? अगर साले की बात अच्छी लगे तो ताली बजाना और भाई की बात अच्छी लगे ताली बजाना। कहीं शंकर कहीं भोला कहीं शिव का प्याला चलेगा और जहां बीवी नहीं होगी तो वहां साला चलेगा। ये कोई बात नहीं हुई। अच्छा अब जो हम कहें जवाब दोगे? बोलिए दोस्तों। हाँ। रंपत साहब का हाल ना पूछो। हाँ कोई बात नहीं, ये लगातार दंड पेलते हैं। ये देखो दंड मेरा, मेरी बहन के दंड देखा? हाँ देखा है। क्या देखा? तुमने देखा बहनोई का? क्या देखा? बस रंपत साहब का हाल ना पूछो। हाँ। ये लगातार दंड पेलते हैं। हाँ। और ये हम मर्दों से लड़ नहीं सकते। हाँ। औरतों से कबड्डी खेलते। सही कहा भैया तुमने, सही कहा। कितना अच्छा है मेरा साला, कितना अच्छा है मेरा साला कि हर बात को काट देता है और जब मैं थूक देता हूँ साला चाट लेता है। ये महफिल है, कोई अखाड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये महफिल है, कोई अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर किसी ने किसी को पछाड़ा नहीं है। और जहाँ बांधे जाते हैं ना तुम्हारे जैसे उल्लू के पट्टे, वो खूंटा अभी हमने गाड़ा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए आप, जो आपने खूंटा गाड़ा है वो जमीन किसकी है? हमारी। तुम्हारे बहन की है? और खूंटा किसका है? मेरा, भैया का। मेरे अबे हंसने की नहीं, बात समझने की है। जवाब दो, जवाब। बहन की जमीन भाई का। वाह भाई, देखो अबे अबे कौन सी नस्ल है तुम्हारी? नस्ल की बात नहीं है। अबे बहन की, बहन की जमीन में कब्जा कर रखा है? अरे अभी मेरी बहन का प्लाट लिया जो खाली पड़ा है, जब तक हम अपना खूंटा लगाए। अच्छा प्लाट खाली पड़ा है और क्या? तुमने खूंटा लगाया है और क्या? तो मेरा खंभा लगा दो ना। क्यों? क्या बात, जवाब दो, जवाब दो। आप ही कुछ कहना चाह रही? नहीं आप पहले, पहले आप जवाब दीजिए। नर्म नाजुक, नर्म नाजुक घास गुलशन की जिसमें तोते उतर नहीं सकते, अगर एक उखाड़ के दे दी तो तुम भाई बहन जिंदगी भर सीधी कर नहीं सकते। हम चाहे सीधी कर पाए या ना कर पाए, अब जो मेरी बहन कहे उसका जवाब दो। जो हम कहे उसका जवाब दो। अरे खुराक लो बाबू, फिर बदतमीजी। रंपत जी, हाँ जी, हमारा दिल तुम्हारे दिल से कभी मिल नहीं सकता। कौन नालायक दिल मिला रहा, तुम खाम खा पीछे पड़ी हो। इतने अच्छे नहीं हो। अच्छे तो हमें इसके बाद कोई पीछे नहीं पैदा हुआ। अच्छा हमारे तुम्हारे बीच कभी फूल खिल नहीं सकते। बहुत हरामी आदमी चड्डी पहनी फूल खिलाते हैं। कहाँ? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम ना। चलो कहाँ? चला चली नाराई के खेत रउआ है। अगर दाब दिया ना कहाँ टांग के बीचों बीच, सुभान अल्लाह, तो तुम हिल नहीं सकते। क्या जगह, क्या जगह चुनी है? जवाब है, ये पूरी खुराक है। दो जवाब। इस महफिल में रंपत रंग जमा के ही रहेंगे। वाह। और तेरी बहन के गोरे गोरे गाल पे फूल खिला के ही रहेंगे। बदतमीजी। अगर माना ये दाब देगी, माना ये दाब देगी टांग के बीचों बीच, तो दबे दबे कुछ ना कुछ तो हिलाते ही रहेंगे। भाई साहब एक बात बताएं। हाँ। ये हमारी सगी बहन नहीं है। हाँ हाँ है? हाँ हाँ मोहल्ले में रहती है। हाँ तुम तो सगल से दोगले हो। क्यों? तुम्हारी सगी बहन नहीं ना? हाँ ठीक जाइए। एक बात बताओ, क्या आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है? हाँ हाँ मेरा पेप्सी एप्सी पिलाओगे? पेप्सी नहीं है। हाँ फिर हाथ लाइए। हाँ लिमका पकड़िए। कपड़ा कम है? हाँ। दुकान बड़ी है? दुकान आप ही कह रही, जुबना बड़ा है। तो ए, कपड़ा कौन लाया था? दर्जी, हम लाए थे। आप लाए थी? हाँ।
आपके पिता ने दिए पैसे की ससुर ने दिए? ससुर। अच्छा तो ससुर का महीना हो गया होगा। महीना? अरे तनख्वाह का महीना हुआ होगा। हाँ हाँ। उसी का पैसा दिया होगा। हाँ हाँ सही है। आपने थान से फड़वाया था कि कटपीस में लाई थी? थान से लाए थे। आपने फड़वाया गलत था। क्यों? आपने साइज नहीं फड़वाया था। अरे वो कपड़ा साइज नहीं आपने नपवाया था। क्यों? लो 4 सेंटीमीटर हमसे ले। और क्या रघुपत जी? और क्या है? कपड़ा है कम शायद चुपना पड़े है, दोनों तरफ देखो कैसे चले है। और क्या बेटे रंपत? खामोश हो जाओ आप लोग। हम तुम्हारे बेटा हैं। क्यों? कितने बच्चे आपके हैं? 22 बच्चे हैं तुम्हारे जैसे हमारे। आपके 22 बच्चे हैं? हाँ। क्या देख रहे? शाबाश तुम्हारी हिम्मत को। अपने अपने हिम्मत की बात है। बहुत अच्छी हिम्मत है। आपके मोहल्ले में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? है तो किसी डॉक्टर ने सुना नहीं होगा। क्यों? मैं पूरा असलाह लेके घर में घुस जाता। काहे के लिए? चीर फाड़ कर डालता। गवर्नमेंट का कहना बीवी रखो टीप टाप, दो के बाद फुल स्टाफ। जाइए इनको देखिए। क्या 22 बच्चे आपके? हाँ। सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा? तुम्हारी तरह है। आप लोग फैसला कीजिए कि इतना बड़ा बच्चा इनके हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कितना भी कोशिश कीजिए। हाँ। कितना भी प्रयास कीजिए, इतनी बड़ी औलाद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब इतना बड़ा बच्चा आपके होगा तो ये कंडीशन आपकी नहीं होगी। कैसे होगी? ट्रैक्टर की ट्राली की तरह ढकमकाती घूमोगी। अच्छा। हाँ, इंजन कहीं जाएगा ट्राली कहीं जाएगी। भगवान। हाँ। जब इतना बड़ा बच्चा आपके होगा तो आपकी ये उम्र नहीं होगी। कौन सी होगी? आपकी उम्र होगी बुढ़ापे की। अच्छा। आपका दरवाजा मेरे दरवाजे सामने होगा। जरूरी? आप अपने दरवाजे पर क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? क्या कहेंगे? क्या कहोगे? फुर्सत नहीं है। अच्छा। आप जब निकलेंगी हाँ तो बच्चे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हर जाओ दादी माता जी आ रही है। अच्छा। और हम जब निकलेंगे तो? हर जाओ दादा सिंह आ रहे हैं। ओहो। कनॉट पैलेस। वहां क्या करोगे? वहां आधी दुकान बंद रहती आधी खुली रहती। अरे दुकान ही देखा करते। अच्छा और हम क्या देखेंगे? अरे हम सौदा खरीदने जाते हैं दुकान से। देखेगी कौन सा सौदा खरीदते? जो अच्छा लगता है। तुम्हारे पास कोई सामान है बिकाऊ? हाँ है। क्या है बताओ? साया है। साया? हाँ। उसमें छुपी है मेरी काया। अब तो दिखा दे मेरी माया। सिले अच्छी चोली यही मेरी मर्जी। ये क्या कर रहे हो? क्या करो? ये क्या करो? तलाश जारी है। काहे की? आप नहीं जानती है। काहे की? क्या ढूंढ रहे? अरे ओए तलाश जारी है। काहे की? वीरप्पन कहाँ है? सिले अच्छी चोली यही मेरी मर्जी कि जैसे पहन ये नाच नहीं हो रहा है। क्या हो रहा? सद्दाम हुसैन का जमीनी हमला हो रहा है। और क्या रंपत जी? और क्या है?